नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल बाबू इलेक्ट्रिक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिजली बोर्ड वायरिंग कैसे करें, जिसमें दो 2-300 की टो, एक वन वे स्विच हो। तो दोस्तों, जो भी मित्र हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, YouTube चैनल से जुड़ने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आपको दिख रहा होगा 2-300 की टो है, एक वन वे स्विच है। आपस में कनेक्शन कैसे करना है, मतलब 2-300 की टो को एक वन वे स्विच के साथ वायरिंग करनी है। तो उस बोर्ड को पलट देते हैं और आपको दिख रहा होगा बोर्ड को पलटने पर 6 पॉइंट नज़र आते हैं। दो चार पॉइंट तो 2-300 की टो हो गए और एक वन वे स्विच का दो पॉइंट हो गए। इनका कनेक्शन कैसे करना है, सबसे पहले जो वन वे स्विच है उनको 2-300 के साथ कनेक्शन करना होगा। तो एक पॉइंट का कनेक्शन है 2-300 किट है, उसके नीचे के पॉइंट से कर दिया है जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब दोस्तों, क्या करना है, दोनों जो 2-300 किट है उसको आपस में कनेक्ट करना है। मैंने वैसे तो 2-300 किट का आपस में कनेक्शन कैसे करें, 3 का कैसे करें, वो मैंने वीडियो डाल दी है। तो दोस्तों, 2-300 किट, दोनों 2-300 किट है उसके नीचे के दोनों पॉइंटों को आपस में कनेक्ट कर दिया है पीले वायर के माध्यम से। अलग अलग वायर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, आपको जल्दी समझ में आए। अब जो दो ऊपर के पॉइंट है 2-300 किट के, उनको भी एक वायर के साथ कनेक्ट करना है। जैसे लाल वायर मैंने ले लिया है। अब दोस्तों, एक पॉइंट तो बचा हुआ है वन वे स्विच का और बाकी पॉइंट है वो हमने कनेक्शन कर दिया है। तो अब दोस्तों, सबसे पहले कनेक्शन वन वे स्विच का 2-300 किट के साथ किया, फिर दोनों 2-300 किटों को आपस में कनेक्ट किया जैसे पीला और लाल वायर के माध्यम से। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, फेज न्यूट्रल का वायर बाहर निकालना है। तो एक पॉइंट तो वन वे स्विच में से निकलेगा और एक पॉइंट है वो 2-300 किट में से निकलेगा, ये तो वाकई बात है। क्योंकि दोस्तों, जो 2-300 एक तो वन वे स्विच में से हमेशा जो पॉइंट है वो निकलता है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट तो मैंने निकाल दिया है लाल वायर जो फेज न्यूट्रल का वायर है, एक वायर है वो 2-300 किट में से आपको जो काला वायर है वो मैं कहाँ पर कनेक्शन कर रहा हूँ वो आपको देखना होगा। तो जो ऊपर का पॉइंट है 2-300 किट में, उसमें हमने कनेक्शन कर दिया है, तो फेज न्यूट्रल का वायर हमने निकाल दिया है। तो दोस्तों, आपको कनेक्शन है एक वन वे स्विच का और दो 2-300 किट का आपस में कनेक्शन करना हो तो किस प्रकार करना है, आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले कनेक्शन हमने किया है स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले वन वे स्विच का 2-300 किट के साथ, फिर दोनों 2-300 किटों को आपस में कनेक्ट किया, फिर दोस्तों फेज न्यूट्रल का वायर निकाला एक तो 2-300 किट में से और एक निकाला वन वे स्विच में से। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है।